हेलो फ्रेंड्स, मैं एसएस राजप्रीत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राइडर राजप्रीत पर। फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, तीन मीडिया पड़ा है जो कि एक वर्मी कंपोस्ट है, एक जो गोबर से बनने वाली खाद है और तीसरा है अपने पास कोकोपीट और ये साइड में ग्रो बैग पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जिनको गार्डनिंग का शौक़ है या घर पे छत पे आप वेजिटेबल लगाना चाहते हैं तो उन्हीं के लिए एक अच्छा वीडियो है। जैसे आप सभी को पता है मैं हाइड्रोपोनिक पे भी काम कर रहा हूँ, तो उसके अलावा मैंने सोचा कि मेरे टेरेस पे काफ़ी स्पेस पड़ा था तो वहाँ पे मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि उसके ऊपर ये जो ग्रो बैग्स हैं उसमें मैं भी वेजिटेबल लगाऊँ। सो उसी की अपडेट आप सबको देनी थी। तो ये मैंने 5 kg लिया है गोबर की खाद और ये 7 kg है मेरे पास वर्मी कंपोस्ट और ये कोकोपीट है जो कि 5 kg ब्लॉक का बनाया हुआ। तो इन सबको मिक्स करके हम भरेंगे ग्रो बैग में और उसके बाद ग्रो बैग में डायरेक्ट हम कुछ वेजिटेबल्स हैं जो अभी जून महीने में जो लगाए जाते हैं उसी पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो जिनको भी टेरेस पे वेजिटेबल लगाने हैं, जिनको भी इंटरेस्ट है वेजिटेबल लगाने के या उनके पास जगह है, टेरेस है या आपकी बैलकोनी है तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं। और ये तीनों मीडिया यूज़ करने की वजह ये है कि ये हल्का होता है। आप मान लो अगर आपके पास बैलकोनी या बालकनी में भी लगा लेंगे तो होगा ये, अगर इसके जगह आप मिट्टी यूज़ करेंगे तो मिट्टी में होता है वज़न और उसके वजह से आपकी बालकनी में वज़न आ सकता है। तो उससे बेस्ट है आप ये मीडिया यूज़ करो। वर्मी कंपोस्ट है वो भी हल्का होता है, गोबर की खाद है वो भी हल्की होती है और कोकोपीट है जैसा कि आप सबको पता है कोकोपीट तो हल्का ही होता है। तो गमले में अगर आप इन सब को डालोगे तो हो सकता है जो गमले का वेट होता है उसमें भी गमले होते हैं उनमें भी वेट होता है, उससे बेस्ट है ये ग्रो बैग्स आते हैं जो कि आप देख रहे हो। तो इन ग्रो बैग्स में आप इन मीडिया को डाल सकते हो। ये देखिए, ये बाहर की तरफ से वाइट है एंड अंदर की तरफ से ब्लैक है और ये अच्छी क्वालिटी के ग्रो बैग्स हैं। ये देखना, ये देखिए, अगर आप इनको प्रॉपर ग्रो बैग्स को सेटअप कर लें तो ये देखिए, ये भी एक तरह ये भी एक तरह से गमले की तरह बन जाता है। ये देखिए आप, और ये इनके नीचे ग्रो बैग्स में हॉल लगाए हुए जो कि पानी जाने के लिए, क्योंकि अगर इनको जब जितना ज़रूरत होगा वो पानी ले लेंगे, बाकी इन हॉल्स के ज़रिए पानी बाहर चला जाता है। तो ये भी एक गमले की तरह यूज़ होता है और इसका यूज़ करने का मतलब ये है कि अगर आप टेरेस या बालकनी में ग्रो बैग्स का यूज़ करेंगे तो ताकि आपकी टेरेस या बालकनी में वेट नहीं होगा और आप घर पे भी छोटी जगह पे भी आप वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको करते हैं मिक्स और उसके बाद में ग्रो बैग्स में डालते हैं और उसके बाद में अगर सीडलिंग करूँगा तो भी बताऊँगा, अगर सीडलिंग मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा उसका भी आपको वीडियो हूँ। चलिए फिर फटाफट इन ग्रो बैग्स में हम मीडिया को डालते हैं, उससे पहले हम करते हैं इसको मिक्स। ठीक है, तीनों मीडिया थे कोकोपीट कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जो कि तीनों को हमने कर दिया मिक्स। अब हम इनको ग्रो बैग्स में भरेंगे, ग्रो बैग को बराबर व्यवस्थित नीचे से अच्छे से करके उसके बाद में ये जो कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद है इनको तीनों को ग्रो बैग्स में भरते हैं। ठीक है, किस तरह से भरते हैं मैं बताता हूँ। चलिए, ये ग्रो बैग को आपको करना ये है, इस तरह से रहता है, इसको हल्के से खोल के अंदर की तरफ
प्रॉपर उसको पुश करना है और व्यवस्थित उसको इस तरह से बनाओ कि गमले की जैसा बन जाए, ठीक है। जो हॉल है वो हॉल जो है प्रॉपर ऐसे नीचे की तरह होने चाहिए ताकि जो पानी हम इसके अंदर डालेंगे वो पानी हॉल के ज़रिए नीचे चले जाए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपको बना लेना है ग्रो बैग को और उसके बाद में हम इसको कोकोपीट भरेंगे। अगर आप चाहे तो इसके अंदर आप मिट्टी भी मिला सकते हैं, जो नॉर्मली जो गार्डन सॉइल आती है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने गार्डन सॉइल यूज़ नहीं किया है, मैंने कंपोस्ट कोकोपीट और गोबर की खाद उसी का यूज़ किया है। अगर आप चाहे तो मिट्टी भी डाल सकते हैं जो गार्डन सॉइल होती है वो। फ्रेंड्स हमने कर दी ग्रो बैग्स को भर दिया है और अभी हम इसमें सीडलिंग करेंगे और इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कि मैंने इनका प्लेटफॉर्म बनाया एक और वहां पे मैं रखूंगा और नीचे का स्पेस भी खाली रहता है ताकि अगर कुछ भी चीज़ टेरिस पे अगर अपने को साफ़ सफाई करनी है तो भी हम आराम से कर सकते हैं ताकि इनको बार बार इधर उधर करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने इसी हिसाब से मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले सीडलिंग करेंगे, सीडलिंग करने का तरीका क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स ये कुछ सीड से जैसा आप देख रहे हैं ये मैंने कल रात को भिगोए थे तो ये अच्छे से अगर आपको कोई भी सीड्स जर्मिनेट करना है या सीडलिंग करनी है उससे पहले आप एक काम कीजिए, एक रात पहले इन सीड्स को भिगो दीजिए ताकि आपके जो सीड्स है फटाफट जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि करेला हो गया, करेले का जो सीड होता है थोड़ा स्ट्रांग होता है तो आप उसको है ना एक रात पहले भिगो दें और सुबह में उसको सीडलिंग करें तो आपकी जो जर्मिनेट जो होते हैं सीड तो फटाफट होंगे, ठीक है। तो चलिए हम इन सीडलिंग करते हैं, ठीक है। ये बीज है तो ज़्यादा नहीं, हल्का सा इस तरह से हमने डाल दिया और ये दूधी है, दूधी को भी हम हल्का सा इसके अंदर डाल देंगे। बाद में चाहे तो आप इसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं और क्योंकि एक ग्रो बैग में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं बाद में इनको ट्रांसप्लांट कर लूँगा दूसरे ग्रो बैग भर के। फिलहाल इसके अंदर इनको डाल देता हूँ। आप इन ग्रो बैग्स को नर्सरी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जो नर्सरी करते हैं वैसे आप इसकी नर्सरी भी कर सकते हैं। हल्का सा ऐसे हाथ से इनको मिला दें ताकि ये फिर हल्की हल्की उनसे कोकोपीट डाल देते हैं, ठीक है। जो पालक की सीडलिंग की उस पर हमें कोकोपीट डाल देनी है हल्की सी और बाकी पे डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उनको उंगली से हल्का सा अंदर पुश कर दिया, उनको ज़रूरत नहीं है।
खाली जो पालक की हमने सीडलिंग की उसी पे हल्का सा डाल, ठीक है फ्रेंड्स। ये था इसी ग्रो बैग में आपको कैसे वेजिटेबल लगाना है उसके बारे में और किस तरह का मीडिया यूज़ करना है उसी की अपडेट दी। और अब हम ग्रो बैग्स को शिफ्ट करेंगे जो हमने इनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया वहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर इनको शिफ्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्लेटफॉर्म बनाया मैंने, वहाँ पे भी देखिए कुछ ग्रो बैग्स है जिसमें हमने सीडलिंग वहाँ पे भी ग्रो बैग्स है जहाँ पे हमें सीडलेस लेमन लगाए हुए हैं। कुछ यहाँ पे ट्रे पड़े हैं, सीडलिंग ट्रे पड़े हैं, उनके भी ये देखिए प्रोग्रेस हैं, ये देखिए। और ये एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया मैंने और नीचे की जगह भी हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आपके पास एक्स्ट्रा सामान रहेगा वो नीचे रख सकते हैं। और ऊपर ये प्लेटफॉर्म इस तरह से बनाया, वहाँ पे हमने ये जो भी ग्रो बैग्स लगाए हैं वो सब यहाँ पे ग्रो बैग्स पड़े हैं। तो इस पर अभी हम डालेंगे पानी, उसके बाद में इसकी ग्रोथ कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप चाहें तो आप भी इस तरह से प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह का एक ब्रैकेट, देखिए मैंने वाटरप्रूफ प्लाई यूज़ किया है जो कि दो साल तो चलेगी आराम से, ठीक है। क्योंकि अगर मैं चाहता तो ये लोहे का भी प्लेटफॉर्म बना सकता था, फिर वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता, इसलिए मैंने सेकेंड हैंड प्लाई लाया था और उसी का मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है। चलिए पानी डालते हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स हम इनको अभी दे देते हैं पानी, जो कि पानी हमें ऐसे हल्का हल्का देना है ऊपर, ठीक है। ध्यान रखें आप डायरेक्ट नहीं देना है, इसी तरह से कुछ आपके पास हो उससे आप पानी दे सकते हो, इस तरह से, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से आपको पानी देना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अब तक जिन्होंने चैनल को ना किया सब्सक्राइब, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा वीडियो मिले आपको सबसे पहले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।